कोरोना काल में मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में स्वास्थ्य विभाग में घोटाले की खबरें, घोटालों के आरोप कई दिनों से चल रहे थे और अब इन्हीं आरोपों के बीच में भई है एक बड़ी घटना, जिसे सीएमएचओ कार्यालय में लग गई है आग और बड़ी संख्या में इतने को रिकॉर्ड जल गए है। टीकमगढ़ कलेक्टर कार्यालय परिसर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीएमएचओ के कार्यालय में आज सवेरे आग लग गई और इतने डीसी पीएनडीटी खाद्य विभाग के सैंपल समेत कार्यालय में बड़ी संख्या में फाइलें जल गईं। आग लगने की खबर मिलते ही साथ पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड ने जैसे तैसे आग बुझाई, लेकिन बड़ी मात्रा में इतने को रिकॉर्ड जल गए है। ये पूरे मामले में बड़े सवाल इसे खड़े हो गए हैं, काहे के हाल में ही भारतीय जनता पार्टी के ही तमाम नेताओं ने और विशेष तौर पे खरगापुर के विधायक राहुल लोधी ने आरोप लगाओ तो कोरोना के काल में स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा घोटाला भाव है टीकमगढ़ में, और इसके अलावा सांसद प्रतिनिधि ने भी ई भ्रष्टाचार के आरोपन को लेकर तमाम तरीके के रिकॉर्ड की मांग करी थी और जो रिकॉर्ड उन तक मिल तो उनके पहले ही आग के हवाले हो गए। देखिए कुछ दिनों से 20-25 दिन मेरे ख्याल से हो गए हैं, इतने दिनों से लगातार सूचनाएं आ रही थी कि स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार इस कदर का हुआ था कि माननीय विधायक राहुल भैया को भी इसमें रुचि लेनी पड़ी। कई तरह की शिकायतें जिले के लेवल पर और उच्च स्तर पर इसकी शिकायत दी गई, कुछ कार्रवाइयाँ भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से और अन्य प्रशासन की तरफ से की गई। इसी के प्रतिफल में मेरी तरफ से भी सांसद प्रतिनिधि के तौर पर कई सारे दस्तावेजों की जानकारी मांगी गई थी। जो जानकारी मांगी गई वो बहुत संवेदनशील थी, कई तरह के भ्रष्टाचार होने की जानकारी मुझे भी मिली थी। मैं लगातार दस्तावेज मांग रहा था और मुझे सोमवार मंगलवार तक दस्तावेज देने के लिए वचन दिया जा रहा था कि मैं सोमवार और मंगलवार तक हम ये दस्तावेज उपलब्ध कराएंगे। सोमवार मंगलवार आता इसके पहले ये दस्तावेज नष्ट कर दिए गए। निश्चित तौर पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। दोषियों को बचाने के लिए एक बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि FSL की टीम ने कहा है कि यहाँ शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ और इस पूरे परिसर में आज तक कोई आगजनी की घटना नहीं हुई, बड़ा सुरक्षित परिसर है। आग अगर लगी है तो ये आग सामान्य बात नहीं है, षड्यंत्र के तौर पर ये लगाई गई है और दोषियों को बचाने के लिए लगातार ये एक बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय में आग लगने की सूचना सबसे पहले ऑफिस के बगल में रहने वाले पुलिस के जवानों को मिली और इसके बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। पूरे मामले की बारीकी से जाँच करी जा रही है और FSL की टीम द्वारा भी घटना स्थल का निरीक्षण करेगा है। से जानकारी मिली मुझे 4 से 5 के बीच में शायद आग लगी है और CMHO कार्यालय के बगल में ही हमारा कुछ EVM भी रखे हैं जिसमें 24 आवर हमारा फोर्स रहता है। सबसे पहले उन्हीं को पता चला और उनने आग बुझाने की कोशिश भी की और यहाँ पे उनका गार्ड भी है तो उसने भी आग बुझाई है और शॉर्ट सर्किट प्रथम दृष्टया कारण बताया गया है। FSL की टीम आई थी यहाँ पे और उनने पूरा चेक किया, डॉक्यूमेंट्स भी लिए हैं पुलिस ने और DVR वगैरह जो है वो भी लिया है, तो पुलिस जांच करेगी, जांच का विषय है और जैसे ही पता चलता है आप लोगों के सामने भी आएगा। तो ये बिल्कुल पुलिस इसीलिए है, यहाँ पर दोनों थाना प्रभारी थे, SDOP साहब भी आए थे इसीलिए, क्योंकि इसका जांच का विषय है, जांच भी की जाएगी और जो भी सामने आएगा यदि किसी ने जानबूझ के ऐसा किया है तो ये गंभीर बात है और इस पर नियमानुसार कार्रवाई भी करेंगे। कैमरा भी लटका दिया गया है फोन के जी, इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ जी, वो भी मतलब जांच से सामने आ जाएगा कि किसके कितने पहले के हमारे पास रिकॉर्डिंग है या फिर हमारा जो फुटेज है और उसके बाद कब ये हुआ है, तो ये जैसे जांच से कुछ भी पता चलता है तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये लगभग 4 बजे की घटना बताई जाती है, उस समय यहाँ EVM की सुरक्षा गार्ड मौजूद था, पुलिस के गार्ड हैं मौजूद थे और उन्होंने जैसे ही आग लगती हुई देखी, वहाँ से धुआं वगैरह निकलते देखा तो उन्होंने तत्काल कंट्रोल रूम खबर करके और फायर ब्रिगेड को खबर की, तो उसके बाद फायर ब्रिगेड ने आके यहाँ आग बुझाई है और इसमें दुख रहा है यहाँ पर नुकसान जो है वो कुछ पेपर्स वगैरह जल गए, अलमारी जली है और अब ये घटना जो हुई है इस पे से आगजनी कायम कर ली गई है थाना देहात में और उसकी विस्तृत जांच की जा रही है, सूक्ष्मता से जांच की जा रही है। इसमें जो फॉरेंसिक टीम है वो आके मुआयना कर चुकी है, बाकी हर पहलू से हम लोग इसकी डिटेल जांच कर रहे हैं और किसी प्रकार का कोई अपराध इसमें घटित तो नहीं हुआ है उस पर हम शीघ्र ही कोई निष्कर्ष पर पहुँचेंगे। हमारा प्रयास है कि इसको जल्दी से जल्दी जो है पूरा इसका कारण हमको पता चल जाए। इसमें एक टीम बनाई गई है, जो कलेक्टर महोदय ने टीम बनाई है वो जो भी पेपर्स जले हैं उनकी डिटेल में जांच करेगी कि वो कौन से पेपर्स थे, कौन सी फाइलें थी जो जल गई, तो वो हो जाएगा और बाकी यहाँ की जो घटना स्थल की जो परिस्थितियाँ हैं उनका बारीकी से मुआयना करके और हम लोग किसी ना किसी निष्कर्ष पर
संपूर्ण जांच के बाद जल्दी ही पहुंच जाएंगे, किसी न किसी परिणाम पे पहुंचेंगे, उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। ये इसमें पूरा एक तो DVR जब्त कर लिया, CC कैमरा लगा हुआ था, और जो पेपर जले हैं, अलमारी की फाइलें जली हैं, उनको जब्त किया जा रहा है और उनका परीक्षण कराया जा रहा है। सर, बिजली विभाग की तरफ से जो अधिकारी कर्मचारी यहाँ जाँच कर रहे थे, जी, उनका क्या कहना है? नहीं, अभी वो अपनी रिपोर्ट देंगे, वो हमारी उनकी जो रिपोर्ट है हमारी जांच में सम्मिलित की जाएगी। सर, CCTV कैमरा लगा था, उससे छेड़छाड़ की गई है? अभी वो DVR ये ले ली है इन्होंने, जब्त कर ली है, अब उसको चला के देखेंगे, अभी उसमें क्या है उसको देखा जाएगा, विवेचना के दौरान इसकी पूरी छानबीन की जाएगी। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी SK Chaurasia की माने तो ऑफिस में गेट के पास जो अलग अलग शाखाओं के डॉक्यूमेंट रखे थे वे जल गए थे, और इनके संग गई ऑफिस में CCTV कैमरा के छेड़छाड़ के सवाल पे भी उनने ऐसा जवाब दो जो सुन के आप तनक चौंक जे हो। जी, अभी नुकसान का तो पता नहीं, कह नहीं सकते हैं, जब जो सामान जो रिकॉर्ड अधजला है वो इकट्ठा करवा रहे दिखवाएंगे आज कितना जला है, और उसका कारण का भी अभी कोई कह नहीं सकते हैं क्या कारण है आग लगने का। और सुबह ये कह सकते हैं कि सुबह 4 बजे के आसपास आग लगी होगी, क्योंकि मुझे सुबह 5 बजे करीब सूचना मिली थी कि लगी है। दस्तावेज तो मुख्य रूप से जो बाहरी तौर से देख रहे हैं वो PCPNDT एक्ट वाले कुछ कागज़ रखे हुए थे मुख्य गेट के पास में, वो हैं, और एस्टेब्लिशमेंट वाले सेकंड टू वाले जो अलमारी में जो रखे थे रिकॉर्ड वो कुछ जले हैं, और खाद्य सुरक्षा वाले कुछ रिकॉर्ड कुछ जब्त नमूने वगैरह कुछ रखे थे उसमें भी कुछ डैमेज हुआ है। वो एक अलमारी ने जो मांगे थे आपसे दस्तावेज उसमें से भी है क्या? नहीं, मुझे नहीं है मालूम कौन से दस्तावेज मांगे थे। नाइट में कोई चौकीदार नियुक्त किया गया होगा शासन की तरफ से? जी। किसकी ड्यूटी थी? ये यहाँ पे एक्चुअली बगल में 4 गार्ड रहते हैं, सुरक्षा गार्ड रहते हैं पुलिस वालों के बगल में, जस्ट बगल में ही, तो यहाँ पे हमारे यहाँ 10 बजे तक रहते हैं, काम करते रहते हैं लगभग। हाँ, रात रही उपस्थित थे बगल में। CCTV कैमरे लगे हैं, क्या वो दुरुस्त स्थिति में है? कुछ दुरुस्त स्थिति में है, कुछ है, और कुछ है हमारे यहाँ कुछ दिनों पहले डिस्टर्ब कर दिए गए थे। डिस्टर्ब कर दिए गए थे सर? हाँ जी, हाँ, मैंने उनको ठीक कराने के लिए भी कहा है, कुछ ठीक हुए तो साथ वो ऐसे भी पड़े हुए समझे पड़ गए। नहीं, इससे कोई मुझे नहीं लगता इससे कोई संबंध नहीं। आप ही कह रहे थे कैमरे खराब कर दिए गए, जानकारी मांगी। पहले एक कोई घटना हुई थी हमारे साथ, हमारे यहाँ पे, उसके संबंध में जब मैंने पूछताछ करी कड़ाई से, तो वो कैमरे कुछ गड़बड़ कर दिए गए थे। मैं जो भी इसमें देखेंगे, जांच होगी, अभी सब रिकॉर्ड अधजला रिकॉर्ड इकट्ठा किया जा रहा है, देखेंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण कागजात जले या गायब हैं या नहीं जले, उसी के आधार पर फिर संख्या व्यक्त की जाएगी किसके द्वारा लगाई जा सकती। पहली नज़र में देखें तो आग लगने की घटना कोनो भी जगह हो सकत, लेकिन जब कोनो विभाग या कोनो कार्यालय भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हुए तो ऐसे में कोई मौका पे उते आग लगवो और रिकॉर्ड को जल जावो बड़ी संदेह पैदा कर रहो। टीकमगढ़ से सुधीर जैन, बुंदेली, पोछार के लाने। जब हो साथ श्रेष्ठ का तो मिलेगी सपनों की राह। पहलवान गुरदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज BA LLB, LLB, BSc एग्रीकल्चर, BPharma, DPharma, BEd, DL Ed, MA, MSc, MCom, BA, BSc, BCom, BBA, BCA, MCA, MBA, MSW. Affiliated to Bundelkhand University, पहलवान गुरदीन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, हाईवे से बड़ी नहर रोड, पनारी, ललितपुर।